चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। और कृषि में भी हमारे 200 से अधिक विकास खंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित हो गए थे, वहां कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, वहां पर सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थी उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। प्रदेश के अंदर लुप्त प्राय हो रही नदियों को संरक्षित किया जाए इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम नहीं था। कमी पैसे की नहीं थी, केंद्र के सहयोग की भी नहीं थी, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया, तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत सारे लोगों को लगता थे हम क्या कर रहे हैं, अचानक नहीं किया था, इस पर हमने शोध किया था, इस पर व्यापक कार्य योजना बनाई थी। और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपये तक वार्षिक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्यमों ने हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज हम सबके सामने है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ। सरकार ने प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, बैंकर्स का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर को कम करने में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं, उन युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देने में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। 18% से इस दर को कम करते हुए 2.9% तक, हम 3% से नीचे तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहाँ पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था, क्या होना चाहिए इसका रेशियो क्या होना चाहिए ये भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था, पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था। और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़कर के लगभग 53% प्राप्त कर रहा है, यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो, इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया। और आज किसी ने अलग अलग, यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया, स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए,
उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए, और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ODOP की योजना अपने आप में एक मिसाल है। 75 जनपदों की 75 उत्पाद, अब तो अलग अलग जनपदों में और भी नए उत्पाद हमारे सामने आए हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं साहब हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हर एक ने कुछ ना कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल दिया है, और इसीलिए यहां पर जितने भी हमारे बैंकर्स। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।